वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर सेकेंड क्लास, आई थिंक सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो प्रोपोगेशन. CP 311 माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजीज, क्लास BSc AZ 5th सेमेस्टर, यूनिट 1, लेक्चर 2, टॉपिक माइक्रो प्रोपोगेशन. नाउ द कोर्स इंस्ट्रक्टर मायसेल्फ अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर. लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं इसकी आउटलाइन से. जैसा कि पहले वीडियोस में हमने बताया, प्लांट टिश्यू कल्चर का पहला वीडियो था. एक पीपीटी हमने अपलोड की है, हिंदी में भी हमने पादप ऊतक संवर्धन करके अपलोड किया है और हमने उसका पीपीटी भी दिया है. सेकेंड लेक्चर में माइक्रो प्रोपोगेशन के बारे में हम जानेंगे और इसकी क्या आउटलाइंस हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों को देखते हैं. आउटलाइंस, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन माइक्रो प्रोपोगेशन, आफ्टर दैट लिमिटेशंस, और नेक्स्ट है हमारा रेफरेंसेस. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ. माइक्रो प्रोपोगेशन डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स. माइक्रो प्रोपोगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टॉक प्लांट मटेरियल टू प्रोड्यूस मैनी प्रोजनी प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स. माइक्रो प्रोपोगेशन इज यूज टू मल्टीप्लाई प्लांट्स सच एज दोज दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड और ब्रेड थ्रो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स. इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड अ सफिशियंट नंबर ऑफ प्लांटलेट्स. इस मेथड्स को प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लांटलेट्स का इस्तेमाल, जैसे हम प्लांट के किसी भी पार्ट को, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो ट्विग हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्लावर बर्ड हो, लीफलेट हो, हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तभी यहाँ लिखा है कि इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड अ सफिशियंट नंबर ऑफ प्लांटलेट्स फॉर प्लांटिंग फ्रॉम अ स्टॉक प्लांट विच डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स और डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू वेजिटेटिव प्रोडक्शन. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बॉटनिस्ट फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ड डिस्कवर्ड एंड पाइनियर्ड माइक्रो प्रोपोगेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर इन द लेट 1915 एज एंड अर्ली 1960 एज. इस चीज़ को थोड़ा नोट करना कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लांट टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपोगेशन को सर्वप्रथम किसने पायनियर्ड किया और किसने डिस्कवर्ड किया, इस चीज़ को एक अंडरलाइन के थ्रू आप नोट कर लेना. कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. इट कैन हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई फेकंडिटी रेट प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोपोग्यूल्स वाइल कन्वेंशनल टेक्निक्स माइट ओनली प्रोड्यूस्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस नंबर. वाइल कन्वेंशनल टेक्निक्स
might only produce fraction of this number. Now the next slide is stages of micropropagation. Micropropagation की stages को 4 stages में divide किया गया है, जिसमें सबसे पहली stage है stage 0, second है आपका stage 1, third है stage 2, fourth है stage 3. स्टेज 0 से इसको शुरू किया गया है. थ्योरी के साथ साथ इसके बाद डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी है इसका, उसको डायग्राम के थ्रू भी हम आपको समझाएंगे. सबसे पहले थ्योरेटिकली हम चीज़ों को समझते हैं. स्टेज 0, दिस इज़ द इनिशियल स्टेप इन माइक्रो प्रोपोगेशन. प्रारंभिक अवस्था है ये सूक्ष्म प्रवर्धन की. दिस इज़ द इनिशियल स्टेप इन माइक्रो प्रोपोगेशन एंड इन्वॉल्व्स द सेलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ स्टॉक प्लांट्स. Selection and growth of stock plants for about 3 months under controlled condition. Stock plants को 3 महीने के लिए controlled conditions में रखा जाता है. Now the stage 1, second stage है ये. In this stage, the initiation and establishment of a culture in a suitable medium are achieved. Selection of appropriate explants is important. Selection of appropriate explant is important. The most commonly used explants are organs, shoot tips, and axillary buds. The chosen explant is surface sterilized and bathed before use. जो भी एक्सप्लांट को हम यूज़ करें उनकी सरफेस को पूरी तरीके से स्टरलाइज्ड कर लें, पूरी तरीके से बास कर लें, क्योंकि कंटामिनेशन का खतरा बढ़ जाता है. जब हम स्लाइड के अंदर किसी भी प्लांट पार्ट को रखते हैं, यदि उसमें ज़रा सा भी किसी भी तरीके का फंगस, वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेस्टेशन है, तो वो पूरे स्लाइड में कंटामिनेशन कर देगा और हमें वो डिज़ायरेबल करेक्टर्स या डिज़ायरेबल चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो हमें चाहिए माइक्रोप्रोपगेशन टेक्नोलॉजीज़ को सफल बनाने के लिए. स्टेज 3 में है आपका स्टेज 2. इट इज़ इन दिस स्टेज द मेजर एक्टिविटी ऑफ माइक्रोप्रोपगेशन अकर्स इन अ डिफाइंड कल्चर मीडियम. स्टेज 2 मेनली इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट्स. Stage 2 mainly involves multiplication of shoots or rapid embryo formation from the explants. A growth chamber set at 20 to 24 degrees centigrade is used with a 2000 to 4000 lux light intensity. With a 2000 to 4000 lux light intensity and a lighting period of 16 hour or so is required for second, third, means stage 2. Now the next slide, in which the diagrammatic representation of stage 0, stage 1 and stage 2 is given. Stages of micropropagation is, firstly stage mein humne beaker mein, introduction and establishment of aseptic culture. कल्चर को एसेप्टिक कंडीशंस में रखा, आप इसमें डायग्राम में देख पा रहे होंगे. सेकंड में बीकर में जो हमारा एक्सप्लांट रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा हमें जर्मिनेशन समझ में आ रहा है मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद. थर्ड स्टेज में हमारा रूटिंग हुआ और फोर्थ स्टेज में एक्लिमेशन एंड ट्रांसमोट किया गया, वो भी फील्ड कंडीशन के लिए अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन से हटाकर अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन मीट ओपन सरफेस में हमें उसके अनुकूलन के लिए एक्लिमेटाइजेशन के लिए एक्लिमेशन के लिए ट्रांसप्लांट को रखा गया. स्टेज 1 प्रेफर सूट टिप और ऑक्सिलरी वट मस्ट बी डिसकंटामिनेटेड. इट शुड बी डिसकंटामिनेटेड. डिटर्जेंट्स, एंटीबायोटिक, ब्लीच 70% एथनॉल. Must grow with sugar for energy source. Stabilize culture growth. Stabilize culture growth.
Now the next is स्टेज सेकेंड सूट प्रोडक्शन. इसमें फर्स्ट स्टेज में इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव कल्चर फर्स्ट की तरह ही, फिर सेकेंड स्टेज में यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में भी रूटिंग का प्रिपरेशन और फोर्थ में भी एक्लिमेशन के लिए ट्रांसप्लांट कर दिया गया. स्टेज सेकेंड में सूट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होगी. गोल इज टू स्टिमुलेट न्यू सूट्स फ्रॉम मेरिस्टेम 6% एक्सप्लांट. गोल इज टू स्टिमुलेट न्यू सूट्स फ्रॉम मेरिस्टेम्स 6% एक्सप्लांट. एडजस्ट हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन टू स्टिमुलेट सूट्स. कैन यूज न्यू सूट्स टू रेप्लिकेट सूट्स मल्टीप्लिकेशन. कैप प्रोड्यूस कैलस. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेज थर्ड. दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ सूट्स टू अ मीडियम फॉर रैपिड डेवलपमेंट इनटू सूट्स. Sometimes the shoots are directly planted in soil to develop roots. In vitro rooting of shoots is preferred while simultaneously handling a large number of species. Now the stage fourth. ये थ्योरेटिकली आप यहाँ समझेंगे, फिर डायग्रामेटिकली अगली स्लाइड्स पर हम आपको समझाएंगे. स्टेज फोर्थ में दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांटलेट्स इन द सॉइल. दिस इज डन बाय ट्रांसफरिंग द एक्सप्लांट ऑफ स्टेज थर्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द एनवायरमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस. दिस इज डन बाय ट्रांसफरिंग द प्लांटलेट्स ऑफ स्टेज थर्ड from the laboratory to the environment of the greenhouse. For some plant species, stage third is skipped and unrooted stage second shoots are planted in pots or in suitable compost mix. Stages of micropropagation mein stage third shoot production. स्टेज थर्ड सूट प्रोडक्शन सेम वही है, इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसिटिप कल्चर फर्स्ट बीकर में, सेकेंड स्टेज में फिर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड स्टेज में रूटिंग एंड प्रिपरेशन एंड फोर्थ में एक्लिमेशन एंड ट्रांसप्लांट्स. स्टेज थर्ड के सूट प्रोडक्शन के लिए क्या क्या एसेंशियल है. रिमूव इनहिबिटरी हार्मोन साइटोकाइनिन, इंक्रीजिंग रेशियो टुवर्ड ऑक्सिन, गोल टू एलोंगेट रूट ऑब्लिक सूट्स. सम कल्चर्स हैव सेम बेसिक मीडिया विद ओनली हार्मोन चेंजेस. प्री ट्रांसप्लांट रूटिंग टू ट्रांसफर टू द सॉइल. नाउ द सेकेंड स्लाइड इज स्टेज फोर ट्रांसफर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. सेम स्लाइड्स की तरह स्टेज फर्स्ट में भी इसमें इंट्रोडक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर हुआ, सेकंड में फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, थर्ड में रूटिंग एंड प्रिपरेशन हुआ, फोर्थ में एक्लिमेशन एंड ट्रांसप्लांट हुआ. लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं कि स्टेज थर्ड में सूट प्रोडक्शन है, स्टेज थर्ड में सूट प्रोडक्शन है, स्टेज सेकंड में भी सूट प्रोडक्शन है, इसके बाद स्टेज थर्ड में प्रेफर सूट टिप और ऑक्सिलरी वर्ड्स है, लेकिन फोर्थ पॉइंट में, सेकंड थर्ड के अलावा फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे होंगे ट्रांसफर टू नेचुरल एनवायरनमेंट. फाइनल सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल कल्चर सर्वाइव एंड ग्रो इन सॉइल. Shift from heterotrophic sugar requiring to autotrophic conditions. Problems to solve: infection from soil
डेसिकेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेटिक कॉम्पिटेंस। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द वे ऑफ प्रोपगेशन। फर्स्ट द प्रोपगेशन फ्रॉम सूट्स विद साइटोकाइनिन लाइक वेंजाइलेडिनाइन और काइनेटिन। सेकेंड मल्टीपल सूट डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम डी डिफ्रेंसिएटिंग टिश्यू कैलस विद एन ऑक्सिन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड। एंड फाइनली द इम्ब्रो डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम कैलस। द फॉर्मर टू मेथड्स नीड द रूटिंग प्रोसेस विद एन ऑक्सिन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड एंड विद नेप्थिलीन एसिटिक एसिड देयर आफ्टर। Nowadays, the method of propagation from shoots is the most preferred one because the latter two methods present the possibility of genetic variation on to the dedifferentiated phase callus. Applications and advantages of micropropagation. Plant tissue in a small amount is sufficient for the production of millions of clones in a year using micropropagation. Micropropagation को इस्तेमाल करके उनके छोटे छोटे parts को हम उनका multiplication करके thousand millions में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। It would take a great deal of time to produce an equal number of plants using conventional methods. The technique of micropropagation provides a good alternative for those plant species that show resistance to practice of conventional bulk propagation. An alternative method of vegetative propagation for mass propagation is offered through micropropagation. Plants in large numbers can be produced in a short period. Any particular variety may be produced in large quantities and the time to develop new varieties is reduced by 50%. Large amounts of plants can be maintained in a small species. This helps to save endangered species and the stories of germplasm. The micropropagation method produces plants free of diseases. Hence, disease-free varieties are obtained through this technique by using meristem tip culture. The proliferation of in vitro stock can be done at any time of the year also. A nursery can produce fruit, ornamental and tree species throughout the year. Increased yield of plant and increased vigor in floriculture species are achieved. प्लांट के साथ साथ फ्लोरिकल्चर स्पीसीज के बिगर को भी हमें प्राप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से। ऊपर के पॉइंट में जैसा कि लिखा है फ्रूट के साथ साथ ऑर्नामेंटल एज वेल एज ट्री स्पीसीज थ्रू आउट द ईयर। थर्ड पॉइंट में नीचे है फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल विदाउट द रिस्क ऑफ डिजीज इंट्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्वारंटाइन इज लेसन्ड बाय दिस मेथड। The micropropagation technique is also useful for seed production in certain crops as the requirement of genetic
conservation of a high degree is important for seed production. With micro propagation having various advantages over conventional method of propagation. Independent of availability of plants, micro propagation offers a lucrative alternative approach to conventional methods in producing controlled amount of biochemicals. Therefore, intense and continuous efforts in the field with direct controlled and successful production of valuable specific and yet undiscovered plant chemicals. Limitations क्या क्या हैं micro propagation की? Micro propagation techniques require intensive labor and this often limits their commercial application. Automation can reduce the labor required. These are the limitations involved in the practice of micropropagation. Now the last is references. Here the references are given. First, second, third, fourth, fifth. And after that, thank you.